कांकेर शहर के जनकपुर वार्ड में गुड़ीचा मंदिर के सामने सर्व हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर बनवाने की मांग को लेकर चक्काचौंध कर दिया। लोगों ने सड़क पर बैठकर जिला प्रशासन, सांसद, विधायक मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन सर्व समाज के पदाधिकारी मंदिर निर्माण के लिए NOC सीमांकन के कागज मौके पर लाने की मांग पर अड़े रहे। हंगामे के बाद प्रशासन ने सीमांकन के कागज दिखाए, तब प्रदर्शनकारी सड़क से हटे। मैं ये लड़ाई जो है मंदिर के लिए मैं 20 साल से लड़ रहा हूँ कि मंदिर लड़ते लड़ते मैं एक साल हो गया इसमें, जो नगर पालिका से NOC लेने के लिए मैं 21/9/2023 को दिया था। नगर पालिका कम से कम मैं और मेरे साथी अरविंद के साथ में हम लोग कम से कम 20 बार जा चुके हैं, सबको पकड़े, विधायक को बताया भी था मैं पहले भी और आज भी बताया था, मतलब होने के बाद भी उसके बाद ध्यान भी नहीं दिए। और हम चाहते हैं कि जो लंबी जो चीज है कि हमको भाई यहाँ मंदिर बनाना है गुड़ीचा पर्व में भगवान के मौसी घर में, और भगवान नहीं बच्चे भी गर्मी छुट्टी में अपनी मौसी के यहाँ, चाचा के मामा के यहाँ जाते हैं, तो कम से कम मौसी घर इस 4 साल से कांकेर में नहीं है तो खंडहर में तब्दील है। लड़ाई लड़ते लड़ते दस्तावेज देते अब हम हार गए हैं, और ये हार की लड़ाई है कि आज हमें भगवान के लिए आज हमको रोड में बैठना पड़ा, ये हमारे लिए, समाज के लिए, खुद के लिए बहुत शर्म का विषय है। नगर पालिका को आवेदन दिया गया था पूरी रिकॉर्ड के साथ में, और नगर पालिका आपत्ति ऊपर आपत्ति लगा रही है, बार बार आपत्ति लगा रही है, एक बार कोई और आपत्ति लगाती है, अगली बार कोई और आपत्ति लगाती है, इस तरीके से करते करते लगभग साल भर हो गया, तब आज मजबूरन जो है ये कदम उठाना पड़ा और भगवान को टेंट में रहना पड़ा इस साल के पर्व के लिए। हम चाहते हैं यह विषय 2004 से चल रहा है और 2004 से कई सांसद आए और कई सांसद गए, मगर आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ सुध नहीं लिया, और कांकेर की राजनीति पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है, मगर ये धार्मिक कार्यों के लिए इस प्रकार से एक मंशा बना के चलते हैं कि हर एक धार्मिक कार्य चाहे इस मंदिर का हो चाहे कोई भी मंदिर का हो ये रोकने का प्रयास करते हैं। विशेषकर नगर पालिका प्रशासन जो इस कार्य के लिए मंदिर का रसीद का मांग कर रही है, जबकि आज तक का यहाँ कभी उसका रसीद कटा नहीं है, न कोई टैक्स पे ही नहीं है मंदिर। बीजापुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बार फिर नक्सलियों ने अपने कायराना हरकत की है और बीजापुर सुकमा सीमा पर ऑपरेशन पर निकले जवानों पर IED से हमला कर दिया। इस मामले में 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। वहीं बता दें कि शहीदों में एक जवान रायपुर का रहने वाला है, मामला तर्रेम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस दौरान CRPF, कोबरा, CAF, DRG, SGF की संयुक्त टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे सहयोगी गोपी का रुख करेंगे, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपी, हम अक्सर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आती है, एक बार फिर आईडी ब्लास्ट यहां पर किया गया है नक्सलियों ने। हाँ जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बीजापुर जिले में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने है, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए, साथ ही 4 जवान जो है वो घायलों की इलाज जारी है। तो 2 जवान शहीद हुए उनमें तपेश सिंह और भारत साहू है, भारत साहू राजधानी रायपुर के मोवा इलाके के रहने वाले हैं। हम हमारी जो टीम है वो उनके घर पहुंची, उनके बड़े भाई से, उनके पिता से हमने बात भी की, तो बड़े भाई का कहना है कि लगभग रात 2:30 बजे उन्हें फोन आया कि उस घटना की जानकारी जो है वो उनके द्वारा ऑफिस की ओर से उन्हें दी गई कि घटना इस तरह से घटी थी, और उसके बाद उनके जो भाई भारत साहू उनकी शहादत इस घटना में हो गई। उसके बाद से ही लगातार परिवार में शोक का लहर है और पार्थिव शरीर के इंतजार जो परिवार है भारत साहू का परिवार वो वहां पर कर रहा है। पिछले साल ही उनकी पोस्टिंग बीजापुर में हुई थी, वहीं पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने वो 2007 से ही उनका चयन हुआ था। भारत साहू अपने पीछे 3 बच्चों का पूरा भरा पूरा परिवार जो है वो छोड़कर गए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं स्थिति है वो काफी खराब वहां पर उनके परिवार वालों की घटना के बाद से नजर आ रही है। अगर हम बात करें घटना की तो कायराना करतूत एक बार फिर से नक्सलियों के देखने मिली, जिसमें आईडी ब्लास्ट में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बस्तर को नक्सल मुक्त किया जाएगा, नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से वापस लौटते वक्त यह घटना घटी थी, जिसमें 2 जवान जो है अब वो शहीद हुए हैं। हालांकि नक्सली उन्मूलन के लिए लगातार ऑपरेशन यहाँ पर चलाए जा रहे हैं,
योजनाएं वहां पर संचालित की जा रही, जिससे लोगों को नक्सलियों से अलग किया जा सके, नक्सलियों को घर वापसी की भी कोशिश लगातार की जा रही। लेकिन इस तरह की घटनाओं से लगातार छत्तीसगढ़ बहला है। ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हर माह हर हफ्ते इस तरह के सामने आए हैं। भले ही हमारे जवानों को बड़े कई ऐसे सफलताएं हाथ लगी है, इस ऑपरेशन में भी बड़ी सफलताएं मिली, लेकिन जो जवान इसमें हमारे शहीद हुए हैं, फिलहाल जवानों की शहादत खराब नहीं जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही है, लगातार ऑपरेशन जारी रहेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन इस नक्सली में बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में दो जवान जो है शहीद हुए, हालांकि मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।